नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त मैं चिड़ियाघर के सामने खैरुन मनाजिल इमारत के नाम से स्थित थी, जो कि अब एक मस्जिद के नाम से तब्दील है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इबादत होती है, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे दिल्ली सरकार इसको हैंडल करती है। लेकिन एक उससे भी ज़्यादा अफसोस बात यह है कि यहाँ पे 5 टाइम की नमाज़ होने की वजह यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम नमाज़ होती है, जो सिर्फ जोहर, असर और मगरिब की नमाज़ होती है। लेकिन यहाँ पे बहरहाल नमाज़ शुरू हो चुकी है। लेकिन आप देखिए, अभी इफ्तार का वक्त करीबी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे असर की नमाज़ अदा की है और यहाँ पे रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है, चंद मिनट ही बाकी रोज़ा खोलने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, मगरिब के बाद यहाँ पे गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद होने के बाद यहाँ पे लोग बाहर तरावी के लिए तैयारी कर चुके हैं। मगरिब रोज़े के बाद यहाँ पे तरावी पढ़ी जाएगी। इससे पहले कि हम आपको और कुछ दिखाएं, यहाँ पे आइए, कुछ अंदर आपको ले चलते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों का सामना कराते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही प्यारे चीज़ें अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं। वैसे ये फ़ैन तो काफ़ी पुराने लग रहे हैं। हाँ, इनको तकरीबन कितने साल हो गए होंगे यूज़ करते हुए आपको? कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए इसको खराब होते, रिपेयर करा के फिर दोबारा से रिपेयर करा के इसको फिर से कर लें। तरावी के लिए मैक्सिमम कितने आदमी होते होंगे यहाँ पे? ये 20-25 आदमी होते हैं। 20-25 आदमी, ये गेट बंद हो जाता है ना, तो उसके बाद रमजान में बाहर होते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे फरीद भाई हमारे बता रहे हैं, मगरिब के बाद यहाँ पे गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद यहाँ पे मजबूरन गेट के बाहर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तरावी पढ़नी पड़ती है। और नमाज़ तो खैर 3 टाइम की यहाँ पे टाइम के लिए हमें दिया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो और यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने कुआँ देखा है, कुआँ जो कि बताया जा रहा है कि बहुत ही पुराना कुआँ है। यहाँ का पानी बहुत ही मीठा और शानदार, जिससे मैंने खुद ही वजू किया और काफ़ी अच्छा फील किया। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ पुराने स्थल जगह हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत किला है, कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और ये एक इबादत गाह है, यहाँ पे प्रार्थना स्थल है, लोग इबादत करते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त रोज़े का टाइम हो चुका है और यहाँ पे चंद रोज़गार जो हैं यहाँ पे रोज़गारों के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी दूर पे हमारे रोज़ेदार हैं, जो यहाँ पे रोज़ेदारों के लिए खिदमत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो लोग आते हैं उनसे रोज़ा खोलने की अपील करते हैं, इसलिए चूँकि यहाँ पर आबादी कम होने की वजह से भी कुछ लोग यहाँ पर दावत देते हैं काम करने के लिए। इस मस्जिद का भी खैरुन मनाजिल मस्जिद
मैंने इससे पहले भी बताया, मुगलों द्वारा बनाई गई थी एक इमारत, इमारत के नाम से इस मस्जिद को अब नाम रखा गया है। चिड़ियाघर में भी एक मस्जिद है, मस्जिद में वहाँ, लेकिन वहाँ नमाज वमाज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब नमाज शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रार्थना स्थल है, क्योंकि ये भारत हिंदुस्तानी एक हिस्ट्री है, यहाँ पे भारतीय तारीख के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं दीवार पे, जो किसी पुराने टाइम में लिखी गई थी, पत्थरों द्वारा इमारतें लिखी गई थी, जिन पे सारे कुरान की कुछ आयतें यहाँ पे प्रस्तुत हैं, और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी पाई जाती हैं। लेकिन मसले ये होते हैं कि यहाँ पे आखिर नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों लोगों को मना किया जाता है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पे किसी को भड़काया जाए या किसी को उकसाया जाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चूँकि भारतीय इतिहास के हिसाब से अगर देखें तो ये प्रार्थना स्थल था, प्रार्थना स्थल थे जो कि इस्लाम धर्म में पाँचों वक्त की नमाज़ के लिए इजाज़त दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तीन टाइम की नमाज़ होती है। तो मैं भी हिंदुस्तानी नागरिक पति द्वारा उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पे तीन टाइम की जो नमाज़ होती है, तीन टाइम की नमाज़ को खारिज कर, तीन पांचों वक्त की नमाज़ को पढ़ाया जाए। बहुत ही तहे दिल से मैं ये गुजारिश करता हूँ दिल्ली सरकार से, और बहुत एहसान होगा, और चूँकि माने जाने वाले केजरीवाल जो कि बहुत ही ईमानदार CM और ईमानदार एक व्यक्ति कहलाए जाते हैं, तो उम्मीद है कि हमारी बात उन तक पहुँचेगी और ये पाँच टाइम की नमाज़ यहाँ पर अदा की जाने की इजाज़त दी जाएगी। ओके, इस वक्त मुझे रोज़ा काफ़ी लग रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा मुंह बिल्कुल सूख चुका है, बस आपको यही चीज़ प्रार्थना स्थल दिखाना था, और कितने खूबसूरत जगह है आप कुछ देख सकते हैं, और मौका टाइम निकाल के जो भी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे देखें कितना प्यारा है। सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत जो है वो कुआँ है, कुएँ का पानी बहुत ही मीठा, बहुत ही शानदार है, मैंने जितना सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर अभी मैंने वज़ू बनाया, मैंने वज़ू 3 बार बनाया और काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून मिला, और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी फेसबुक लाइव में। अभी रोज़े का टाइम हो गया, मुंह बिल्कुल सूख रहा है मेरा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।